हेलो गाइस एंड वेलकम टू डिफेंस क्रैक। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि क्या पैरा एंड पैरा एसएफ सेम है या इनमें कोई डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप किसी भी सोल्जर्स की सिर्फ यूनिफॉर्म देख के बता सकते हो कि ये सोल्जर पैरा का है या पैरा स्पेशल फोर्स का। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या है दोनों में डिफरेंस, कैसे आप पैरा एंड पैरा एसएफ ज्वाइन कर सकते हो, पैरा एंड पैरा एसएफ की बटालियंस कौन कौन सी है, पैरा के अंडर कौन सी बटालियंस आती हैं, पैरा एसएफ के अंडर कौन सी बटालियन है, क्या गर्ल्स पैरा एसएफ को ज्वाइन कर सकती हैं या नहीं कर सकती। सो देर इज लॉट टू नो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं या अपने डिफेंस फोर्सेस के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स। देखो पैरा एंड पैरा एसएफ में डिफरेंस से पहले आपको रेजिमेंट एंड बटालियंस का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा, पैराशूट रेजिमेंट। तो इंडियन आर्मी में बहुत सारी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं, लाइक पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, डोगरा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट एक्सेट्रा। इन्हीं में से एक पैराशूट रेजिमेंट भी है। इन्फेंट्री में जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें हम पैदल सेना भी कहते हैं, यानी कि जहाँ भी क्लोज कॉम्बैट होगी ये सोल्जर्स इन्वॉल्व होंगे। इन्हें फ्रंटलाइन सोल्जर्स और आर्मी की बैकबोन भी माना जाता है। सो पैराशूट रेजिमेंट भी एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसमें पैरा एंड पैरा एसएफ के सोल्जर्स होते हैं। अब बात आती है पैरा एंड पैरा एसएफ के डिफरेंस की। तो एक बहुत अच्छी फेमस लाइन है, हर पैरा एसएफ का सोल्जर पैरा का सोल्जर होता है, बट पैरा के कुछ सोल्जर ही पैरा एसएफ के सोल्जर बन पाते हैं। यह लाइन आगे आपको और अच्छे समझ आएगी। देखो पैरा के जो सोल्जर्स होते हैं वो रेगुलर एयरबॉर्न सोल्जर्स होते हैं जो एज अ एयरबॉर्न इन्फेंट्री की तरह फंक्शन करते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो सपोज करो कि ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपको सोल्जर्स को जल्द से जल्द भेजना है, या फिर ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको रीइन्फोर्समेंट भेजनी है बट वहाँ पे कोई भी व्हीकल ले जाना पॉसिबल नहीं है, या फिर अगर दुश्मन की नज़र में आए बिना किसी ऑपरेशन को अंजाम देना है तो हम पैरा सोल्जर्स को वहाँ पे एयर ड्रॉप कर सकते हैं। ये सोल्जर्स ऐसी जंप के लिए हाईली ट्रेंड होते हैं जो कहीं भी फुल बैटल इक्विपमेंट्स के साथ जंप करके रेगुलर आर्मी को या रेगुलर इन्फेंट्री को ज्वाइन कर लेते हैं। ये काफी हद तक यूएसए की 101 एयरबॉर्न डिवीजन और ब्रिटिश पैराशूट रेजिमेंट की तरह है। हर पैरा ट्रूपर को 90 डेज के प्रोविजन को कंप्लीट करना होता है। इस पीरियड में उन्हें स्लीप डेप्रिवेशन से गुजारा जाता है। अब स्लीप डेप्रिवेशन क्या होता है, लैक ऑफ स्लीपनेस, यानी कि इस ट्रेनिंग में, इस प्रोविजन पीरियड में आपको कई दिनों तक सोने नहीं दिया जाता। तो जिनको नींद बहुत प्यारी है उनके लिए फोर्स बिल्कुल भी नहीं है। पैरा ट्रूपर्स को कई किलोमीटर की लंबी रनिंग और अलग अलग एंड्योरेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इस प्रोविजन को बनाया इस तरह से जाता है ताकि जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनकी विल पावर को टेस्ट किया जा सके। देखो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मसल पावर एंड विल पावर। मसल पावर के साथ आप फिजिकली किसी भी सिचुएशन को सर्वाइव कर सकते हो, बट विल पावर के साथ आप हर सिचुएशन को झेल जाओगे। इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद भी इन पैरा ट्रूपर्स को एलाइट इन्फेंट्री का हिस्सा ही माना जाता है, यानी कि ये स्पेशल फोर्स का हिस्सा नहीं माना जाते। पैरा ट्रूपर्स को बेंगलोर में पैराशूट रेजिमेंट में ट्रेन किया जाता है, उसके बाद ये पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर आगरा में पैरा विंग्स और मैरून बेरे को अर्न करते हैं। जंप में ये 5 बार फुल बैटल्स लोड के साथ जंपिंग करते हैं, बट बाकी जो ट्रेनिंग होती है वो दूसरे स्किल्स पे इतना ध्यान नहीं देती है। प्रोविजन के बाद इन्हें रेगुलर पैरा बैटालियंस में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इनके पास मैरून बेरे और विंग्स पहनने का राइट है। तो जब ये पैरा ट्रूपर्स बन गए उसके बाद पैरा एसएफ के लिए फिर सिलेक्शन होता है और सिर्फ पैरा ट्रूपर्स ही उसमें हिस्सा ले सकते हैं। मतलब अगर आप पैरा ट्रूपर हो तभी आप पैरा एसएफ के लिए जा सकते हो। इसके बाद रेगुलर पैरा ट्रूपर्स को निहान हिमाचल प्रदेश में फर्दर प्रोविजन के लिए भेज दिया जाता है ताकि वहाँ वो इस एलाइट यूनिट का हिस्सा बन सके। अब पैरा एंड पैरा एसएफ की बहुत सारी डिफरेंट बटालियंस होती हैं, जैसे कि पैरा में जो होती हैं 5th, 6th, 7th, 23rd एंड 29th पैरा बटालियन आती है, वहीं पैरा स्पेशल फोर्सेस में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड 21st पैरा बटालियन आती है। पैरा एसएफ के जो सोल्जर्स होते हैं उनको वेरियस स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग दी जाती है। एसएफ की हर एक बटालियन डिफरेंट प्लेसेस के लिए हाईली ट्रेंड होती है। जैसे कि जो 1 पैरा एसएफ बटालियन के सोल्जर्स हैं वो माउंटेन वॉरफेयर में स्पेशलाइज होते हैं, तिब्बत और एलएसी का जो एरिया है वहाँ पे ये मोस्टली ऑपरेट करते हैं। वैसे ही जो 10 पैरा एसएफ के सोल्जर्स होंगे वो डेजर्ट वॉरफेयर में ट्रेंड होते हैं। और फिर आते हैं 9 पैरा एसएफ बटालियन के सोल्जर जो खूंखार और हाईली स्किल्ड माने जाते हैं। ये जितने भी 9 पैरा एसएफ के कमांडोज होते हैं ये जंगल वॉरफेयर में एक्सपर्ट होते हैं। पैरा एसएफ के जो भी कमांडोज होते हैं उनकी एक पहचान होती है, वो बलिदान पैच को अपनी राइट पॉकेट पे पहनते हैं और दोनों शोल्डर्स पे स्पेशल फोर्सेस का इंसिग्निया अटैच होता है। स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स किसी भी एनिमी टेरिटरी में बिना बाहर के किसी भी सपोर्ट या फिर रीइन्फोर्समेंट के 72 घंटे तक बिना सोए ऑपरेट या होल्ड कर सकते हैं। स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स कॉम्बैट सर्वाइवल, मार्शल आर्ट, वेपन इंक्लूडिंग स्नाइपिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट, फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट में ट्रेंड होते हैं और किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हैं। पैरा एसएफ का एक सोल्जर अपने इन सभी स्किल्स के साथ अकेले 100 लोगों के बराबर होता है। अब करते हैं गर्ल्स की बात, क्या गर्ल्स पैरा एसएफ को ज्वाइन कर सकती हैं? तो नहीं, गर्ल्स पैरा एसएफ को ज्वाइन नहीं कर सकती, बट हाँ वो पैरा को ज्वाइन कर सकती हैं, यानी कि वो पैरा ट्रूपर बन सकती हैं। पैरा का जो रेजिमेंटल सेंटर है वो बेंगलोर में है। इंसिग्निया ओपन पैराशूट विथ स्प्रेड आउट विंग्स है। पैराशूट रेजिमेंट का मोटो है शत्रुजीत, और वार क्राई तो आपको पता ही होगा।
अगर आज की वीडियो की समरी की बात करूँ तो यहाँ इमेज में आप देख सकते हो एमएस धोनी को, जो एक पैराट्रूपर हैं, यानी कि जो पैराट्रूपर के लिए जितनी भी सारी ट्रेनिंग या जंप्स होती हैं वो एमएस धोनी ने कंप्लीट की है। पैराट्रूपर की पहचान आप देख सकते हो, राइट पॉकेट के ऊपर स्प्रेड आउट विंग्स एंड मैरून बेरे है। ऑन दी अदर साइड पैरा स्पेशल फोर्सेज के मोस्ट डेकोरेटेड कमांडो ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत को देख सकते हैं, जिनके राइट पॉकेट पे बलिदान बैच है और शोल्डर्स पे स्पेशल फोर्सेज का इंसिग्निया है, जो कि एक पैरा एसएफ सोल्जर की पहचान है। स्पेशल फोर्सेज के सोल्जर्स को बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने फर्ज के साथ बंधे होते हैं। किसकी गवर्नमेंट गिरी, किसकी सरकार है, इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। ये सोल्जर सिर्फ अपने देश के लिए जीते और मरते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो डिफेंस अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।